सभी ने फिल्म 3 इडियट तो जरूर देखी होगी। फिल्म में आमिर खान ने पुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके द्वारा निभाया यह किरदार असल के पुनसुक वांगडू से प्रेरित है। फुंगसुक वांगडू के नाम से प्रसिद्ध इस इंजीनियर का असली नाम सोनम वांगचुक है। सोनम बर्फीले रेगिस्तान में बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार का बीड़ा उठाए हुए हैं। इस दुर्गम इलाके में सोनम और उनके साथियों ने 1988 में एक अभियान खड़ा कर दिया था, जिसे स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सैकमोल कहा जाता है। आज कई फेल छात्र भी इनसे शिक्षा प्राप्त कर बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनके सफलता की कहानी। सोनम खुद पेशे से एक इंजीनियर है और लद्दाख के इलाके में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। वे स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के नाम से मूवमेंट चला रहे हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के उलेतो टोकोपो गांव में हुआ था। उनके परिवार में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 8 वर्ष अपनी माँ के साथ बिताए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा खेल खेल में हुई। उसी के बाद वे 1 से 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सामान्य रूप से स्कूल गए। सोनम के पिता नेता थे। सोनम चाहते तो राजनीति में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग को चुना। वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, जिसे पूरा करने के लिए उनका अपने पिता के साथ काफ़ी विवाद हुआ। उनके पिता चाहते थे सिविल इंजीनियर करें, इस कारण उन्हें घर से निकलना पड़ा। आखिरकार उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। सोनम चाहते तो इंजीनियर बनकर अच्छी जगह नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाना उचित समझा। सोनम साइंस और मैथ जानते थे, तो उन्होंने लेह में पहला कोचिंग सेंटर खोला। 2 महीने में ही 4 साल का पढ़ाई का खर्च निकल गया, लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन आया। सोनम ने देखा कि कैसे शिक्षा के अभाव में अच्छे बच्चों को भी फेल कर दिया जाता था। इसीलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जुट गए। साल 1988 में सोनम और उनके साथियों ने एक अभियान के रूप में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सैकमोल की शुरुआत की थी। वो यहाँ ऐसे बच्चों को जगह देते हैं जो सिस्टम से नकार दिए गए होते हैं। वह उन्हें वॉलंटियर बनाकर स्वयं काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तक वो 1000 से भी ज्यादा बच्चों को प्रेरित कर चुके हैं। उन्होंने इस मुकाम को बड़ी मुश्किलों के साथ पाया है। सोनम वांगचुक का कहना है कि इंजीनियरिंग मेरा शौक है और वह वैकल्पिक विश्वविद्यालय पर काम कर रहे हैं। इसमें बच्चे हाथ से काम करके सीख रहे हैं, इसके प्लानिंग वर्कशॉप काम कर रहे हैं। यहाँ कोई फीस नहीं होगी, शिक्षा मुफ्त होगी। सोनम की मुलाकात 2008 में आमिर खान से हुई थी, वो एक अवार्ड फंक्शन में मिले। सोनम कहते हैं कि आमिर खान का किरदार मुझसे प्रेरित नहीं था, लेकिन मेरे जीवन से उनका किरदार पूरी तरह से प्रभावित जरूर लगता है। सोनम वांगचुक ने सरकारी स्कूल में काम करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि आम बच्चे वहीं जाते हैं। वांगचुक ने जब कोशिश शुरू की थी, तब वहाँ बोर्ड परीक्षा में 95% बच्चे फेल हो जाते थे, जिससे निराश होकर वे पढ़ाई छोड़ देते थे। सोनम ने साल 1994 में ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया, जिसके जरिए सरकार, गांव की पंचायत और आम जनता के बीच शिक्षा के स्तर पर बेहतर तालमेल बनाया जा सके। उनके नए आइडिया और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस आंकड़े में बड़ी गिरावट आई। उनके इस आइडिया के कारण आज फेल होने के आंकड़ों में कमी आई है। सोनम ने बर्फ पिघला कर पानी बनाने की एक नई तकनीक भी विकसित की। सोनम पीने के पानी और खेती के लिए भी अपने स्टूडेंट के साथ अभियान चलाए। लद्दाख में खेती और वृक्षारोपण के लिए वांगचुक ने एक नया तरीका विकसित किया है। इसमें स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वे बर्फ से स्तूप बनाएं जो 40 मीटर तक ऊंचे रहें। 10 हेक्टेयर जमीन को इस तरह से एक स्तूप में सिंचित किया जाता है। करीब 1,60,00,000 लीटर पानी की व्यवस्था एक स्तूप से होती है। इसका प्रयोग गर्मी के समय पिघले हुए पानी को टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। ठंडे रेगिस्तान माने जाने वाले लद्दाख में इन कृत्रिम ग्लेशियरों को लद्दाख में स्तूप कहा जाता है। अब तक इनसे 10,00,000 लीटर तक का पानी सप्लाई हो चुका है। सोनम वांगचुक अपनी इस खोज के लिए रोलेक्स पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। सोनम का जीवन आज सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सोनम ने अपनी नई सोच और मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। वो आज कई बच्चों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। वाकई में सोनम जैसे टीचर्स का होना किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। धन्यवाद।